त्रिभुजा पांच से भी है, एक संभव त्रिभुज का आधार और समभुजा कितनी है, तो इसका क्षेत्रफल संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है बेटा V बटे चार अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी का मतलब समान भुजा और ए का मतलब देखिए आप यहाँ रखिए आठ बटे चार अंडर रूट लगाइए चार ए समान भुजा तो पांच ए का वर्ग पच्चीस, ए का वर्ग पच्चीस माइनस पी चौसठ, आठ का वर्ग चौसठ, फिर यहाँ इसको करेंगे बेटा आठ में चार का पांच दिया दो अंडर रूट पच्चीसों के दो माइनस चौसठ दो इंटू चौसठ सौ में दिया कितना सो में सॉरी चौसठ घटाया तो कितने बचे छत्तीस का वर्ग मूल छह दूनी बारह वर्ग से भी कितने वर्ग से भी। अब बात आती है नंबर दो पर, कोई एक तरह से होगा नंबर दो, दो प्रकार से होगा। मैंने आपको एक पाइथागोरस त्रिक बताई थी, पाइथागोरस त्रिक बताई थी, देखिए एक मिनट इसमें एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 504 वर्ग से भी है, आप इसको समझ रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है, इसमें कर्ण मैंने मान लिया आपको दिया है कर्ण कितना है और ये कितना है ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और एक वाई क्या डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसको, मैंने डायरेक्ट ले लिया आप इसको पैसे को, आपको बताया मैंने टू एम एम स्क्वायर प्लस ए और एम स्क्वायर माइनस ए, इसमें करण कौन सा है ये करण है बेटा, ये क्या है ओ एम स्क्वायर प्लस ए बराबर पैंसठ सही है, ए कितना आएगा किसका हो जाएगा तो एम स्क्वायर बराबर कितने बचे स्क्वायर हटा दिया यहाँ अंडर रूट लगा दिया कितना आया एम का मान आठ आ गया, इसमें परिमाप पूछा है तो आठ दुनी और यहाँ आठ अंटे चौसठ ये तो पैंसठ है ही, आठ अंटे चौसठ वैसे एक गया तिरसठ, इन सबको जोड़ दे ऑप्शन में देख ले इनको जोड़ ले आप सबको पांच और तीन आठ और छह आठ और छह चार छह एक सौ चौवालीस ये हो गए, अगर मिलता है ऑप्शन में तो कई बार मैं भी मिले क्योंकि और भी होती है संख्या और भी होती है बेटा, एक इस तरीके से देख लें तो यहां देखिए आप सबसे पहले इसको निकालेंगे संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई होता है तो आधार तो आपने वाई मान लिया और ऊंचाई एक्स मान ली तो इसका एरिया है एक बटे में दो आधार क्षेत्रफल लिखवा गया आधार इंटू ऊंचाई तो आधार तो आपने क्या मान लिया वाई और एक्स सही है ना तो एक्स वाई बटे दो हो गया लेकिन क्षेत्रफल दिया है आपको कितना 504 तो 504 को दो से गुणा करेंगे इधर 1008 बराबर एक्स वाई मतलब दो भुजाएं जिनको गुणा करने पर 1008 आ रहे हैं, फिर पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब का स्क्वायर दोनों का करके जोड़ देते हैं और कर्ण का कितना है तो यहाँ 65 का स्क्वायर कितना हो रहा है बेटा देखो जो पांच वाली संख्या अगर किसी संख्या का पांच वाले का स्क्वायर निकालना है तो पचम और इसको एक ज्यादा से एक आधी के प्रश्न पढ़े होंगे आपने थोड़े बहुत इसमें इसमें ये जो शॉर्ट बता दे रहे ट्रिक लगाते हैं 30 सेकंड में 2 सेकंड में ये केवल वैदिक विधि से उठा के बताते हैं 742 कितने इसमें एक आधी पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत इसे 35 का स्क्वायर निकालना है तो पचम और चार थी ऐसे एक अधिक से गुणा करना है तो यहाँ 4525 आ गए बेटा 4525 आ गए। अब देखिए अपने पास ये हम अलग अलग नहीं बना सकते इसमें तो अलग अलग आ गई अपने पास लेकिन इसमें अपने पास सूत्र होगा अपने दो भुजाओं का इनका लंब और आधार का गुणनफल है 1008 और इनके स्क्वायर का मतलब रखों का योग कितना है तो दोनों भुजाओं का ये मेरा एक सूत्र आता है इसमें रेखा इसमें सॉरी बीजगणित में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो इस x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान तो है 4225, तो इसकी जगह 4225 आपने रख दिया बेटा दोनों की जगह। प्लस एक्स वाई का मान कितना है वो 2 से गुणा और करना है 2000 और दोनों को जोड़ना है। जोड़ी है प्लस है 6541। यहाँ देखिए किया x प्लस वाई बराबर 6541 का स्क्वायर है। यहाँ ये देखिए स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर हटाइए और यहाँ क्या लगाइए इन दोनों को, इसका रूट निकालिए 79। ये दोनों को जाऊंगा योग आ गया, दोनों को जाऊंगा योग आ गया और एक कितनी थी 65। तो परिमाप कितना हो गया जोड़ ले, कर्म को दिया ही था ना आपको, और इन दोनों को जाऊंगा योग आ गया जोड़ ले आप 144। ये देखिए आप, ये देखिए आप कितना है 144। तो इस तरीके से भी करें और इससे भी करें, ठीक है।